अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजे महवेश। आज मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो इसलिए कि काफ़ी सारे मेरे देखने वाले जो है ना सब्सक्राइबर, कुछ मुझे अच्छा समझते हैं, कुछ मुझे जो है ना गलत समझते हैं। आज मैं बहुत ही दुख में मुब्तला होकर ये वीडियो बना रही हूँ। आज सुबह से यकीन करें मैं उठी हूँ, सिर्फ मैंने एक चाय पी है, उसके अलावा कुछ भी मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था। एक साल हो गया मुझे अपना चैनल बनाया हुआ, और उस एक साल में मैंने पता है कितने लोगों की बातें सुनी है, पता है कितनी तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, पता नहीं कितनी हालात से गुजर के मैं जो है ना इस मकाम तक पहुंची हूँ। मैं उस टाइम वीडियो बना रही थी तो हमारे घर मेहमान आ गए थे, हमारे रिश्तेदार, तो फिर मैंने वीडियो को बीच में ही कट कर दिया था। तो मैंने सोचा आज मैं जो बात आप सबसे करने जा रही हूँ, उस बात को सुनकर शायद आप लोगों को कुछ एहसास हो, मेरा या मेरे बच्चों का। मेरी तबीयत आज ना बहुत ज़्यादा, सुबह से दिल एक उदास सा जैसे होता है, एक परेशानी सी होती है, दिल में घुटन सी होती है। जैसा मैंने आप सबसे पहले भी अपनी सारी बातें शेयर की हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आज ये भी अपने दिल की फीलिंग आपसे शेयर कर दूँ। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए मैसेज और पैगाम है जो लोग मुझे गलत समझते हैं, जो लोग ये समझती हैं कि औरत जो है ना इस मुआशरे में बस पैर की जूती है। मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहूँगी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक साल से मैं अपने चैनल पर मेहनत कर रही हूँ और उस मेहनत का सिला मुझे नहीं मिल रहा। यकीन करें मेरी सुबह से रो रो के इतनी बुरी हालत है। ऊपर से मैं मुझे सभी यही कहती हैं कि हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो। मैं किस किस को सपोर्ट करूँ? कभी किसी ने ये भी सोचा कि एक अकेली औरत है, हम इसकी सपोर्ट करें, हम इसका साथ बने? सभी मुझे कमेंट करती हैं कि महविश आप हमारी सपोर्ट नहीं करते, हम आपका चैनल छोड़ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप छोड़ दें। जो लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं मैं उनसे भी कहती हूँ कि आप करें जितने दिल करता है आपका, आप ना मुझे गलत कमेंट करें। आपके गलत कमेंट जो है ना मेरी रूह पे जख्म छोड़ जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। बाकी आप लोगों के कहने से जो है ना, ना मैं चैनल छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपना काम छोड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं चैनल छोड़ दूंगी तो मेरे घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा, मेरे 5 बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब इस चीज़ का आप लोगों को एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो मेरे ऊपर गुजर रही है ना इस टाइम, मैं नहीं चाहती कि किसी भी इंसान के ऊपर वो उस तकलीफ से गुजरे, या उसकी कोई माँ बहन बेटी इस तकलीफ से गुजरे। ये बस मैं उन लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी को ना अगर कुछ दे नहीं सकते, किसी की तकलीफ बांट नहीं सकते, तो उसकी तकलीफ का बायस ना बनो आप लोग। आप लोगों ने मरना भी है, आप लोगों ने मरना भी है, आप लोगों ने भी खुदा के जो है ना बारगाह में पेश होना है। एक अकेली औरत जिसके 5 बच्चे हों, जिसका शौहर भी कमाने लायक ना हो, जिसके माँ बाप भी ना हो, जिसके एक भाई हो वो भी उसे लेन देन में ना रखता हो, जिसकी बहनें भी मतलब परस्त हो, और सब वो बहन भाइयों में छोटी हो, उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हों, तो वो औरत क्या करे जब उसकी इतनी तालीम भी ना हो। आज तो बहुत तालीम वाले भी रुल रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी मुश्किल सरकारी नौकरियां मिल गई। अगर मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया है, अगर मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, कभी देखे हैं आप लोगों ने मैंने कोई गलत काम यूट्यूब पे किया हो? कभी कोई नंगे कपड़े पहने हो, कभी कोई आप बाजू पहने हो, कोई कभी बड़ा गला पहना हो, कभी किसी से बदतमीजी की हो, तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग मुझे तकलीफ दो। जब मैंने आप लोगों को तकलीफ दी हो, तो जब मैं किसी की तकलीफ का बायस नहीं हूँ, तो मेरी तकलीफ का बायस आप लोग क्यों बन रहे हो? यकीन करें एक साल से मैं मेहनत कर रही हूँ इसीलिए कि अगर अल्लाह मुझे पैसे देगा तो मेरा घर बनेगा। मेरा घर गिरने लायक हुआ हुआ, एक कमरे में हम 6 अफराद रह रहे हैं, और मेरे रिश्तेदारों जो मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं, मेरी सास के मरने के बाद वो लोग भी मेरे दुश्मन हो गए, सिर्फ 3 मरले के लिए कि इसको यहाँ से उठाएं, इस 3 मरले को जो ना हम ले लें इससे। उनकी भूख की इंतहा तो ये है, ठीक है ना, अल्लाह पाक ने उनको इतनी जर जमीन जेवर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जब वो लोग इतनी छोटी सोच किए हैं, उनकी तकलीफें बर्दाश्त की मैंने अपने शोर की तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने हर हालात का सामना बहुत ज़्यादा खुशी से किया, इस सोच पे कि मेरा जो है ना चैनल अच्छा होगा, मेरी चैनल से इनकम होगी, मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बसर करूँगी। लेकिन यकीन करें एक साल से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, मेरा इतना अच्छा कॉन्टेंट होता है, मेरा इतना अच्छा काम होता है, लेकिन मुझे ना जो मेरी वीडियोज़ मैं अभी अपलोड करती हूँ, एक आधा घंटा नहीं गुजरता
फेसबुक पेज वाले जो है ना उठा लेते हैं और मेरी वीडियो जो है ना फेसबुक पेज पे छोड़ देते हैं। उनका सिर्फ ये छोटी सी घटिया काम हो जाता है कि महविश को तकलीफ दे। महविश ने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी ना, महविश तो कभी किसी की तकलीफ का बायस नहीं बनी ना। तो फिर आप लोग मेरी बात दुआएं क्यों ले रहे हो? आप लोग मेरी वीडियोस क्यों चुरा रहे हो? आप लोग क्यों मेरी वीडियोस फेसबुक पेज पे छोड़ते हो? क्या आप लोगों को मेरा एहसास नहीं होता कि उसकी छोटे छोटे बच्ची है, वो किसी से मांगती नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है, वो अपनी मेहनत अपने दम पे अपने आगे जाना चाहती है, अपना घर अपनी जिंदगी अपना सुकून से अपने बच्चों को पालना चाहती है। तो प्लीज खुदा आप लोग किसी का एहसास करो कि आप भी किसी की बहन बेटी से पैदा हुए हो, किसी औरत ने आपको भी औरत ने जन्म दिया है। यकीन करें मैं इतनी तकलीफ में हूँ, कल से मैं रो रही हूँ कि देखिए मैं एक साल से मेहनत की, मैंने सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन क्या मेरे व्यू कितने आते हैं मेरे चैनल पे? 1,000 2,000 3,000 बंदा देख जाता है। और जो मेरी फेसबुक पेज पे छोड़ देती हैं, आधा घंटा मेरे चैनल पे नहीं गुजरा होता तो वो फेसबुक पेज पे छोड़ते हैं, वहाँ पे मिलियन में लोग देख जाते हैं। जो मेरी वीडियो फेसबुक पे पेज पे देख सीखे जाता है वो मेरे चैनल पे नहीं आता है। जब वो मेरे चैनल पे ही नहीं आएगा तो फिर मेरे रुलने का फायदा ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना रुलती हूँ, यकीन करें मैं घर का काम करती हूँ, उसके बावजूद जो है ना मैं भाई रुलती हूँ, कोई माहौल देखती हूँ, कहीं पे जाके विलेज वीडियो बनाती हूँ कि मेरे व्यू अच्छे आएंगे, मेरी इनकम अच्छी होगी, मेरा घर अच्छा होगा, मेरे बच्चे सुखी हो जाएंगे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का सर छुपाने का ठिकाना बन जाएगा। तो मैं जो भी वीडियो लगाती हूँ 2 घंटा 1.5 घंटा नहीं गुजरता तो उसके बाद फेसबुक पेज पे सभी मुझे मैसेज करते हैं कि मैं भी आपकी वीडियो जो है ना फेसबुक पेज पे फलां पेज पे है फलां पेज पे। अब मैं सब पेज वालों को गालियां दूं फिर अच्छा है? फिर आप लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी? हर पेज वाले को मैं गालियां दूं तो क्या होगा? जो इंसान है ही घटिया, घटिया लोगों से बदतमीजी करने का क्या फायदा? प्लीज मैं आप सब देखने वालों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी सपोर्ट करें, मेरा दर्द मेरी तकलीफ को समझें, ना कि मेरे ऊपर गलत बातें करें। खुदा ना करे कभी आपकी बहन बेटी पे ऐसे हालात आए, जो इंसान है वो इंसानियत के नाते मेरी वीडियो देखें, आगे शेयर करें। प्लीज मैं सब फेसबुक पेज वालों से गुजारिश करूंगी कि मेरी वीडियो ना उठाए। आप हर बंदे की वीडियो उठाए, एक तो मैं सीधा साधा बंदा हूँ, मुझे किसी को स्ट्राइक देना नहीं आता, किसी को कॉपीराइट करना नहीं आता, ना मैं किसी का कंटेंट चुराती हूँ, ना मेरी वीडियोस चुराए। मेरी मेहनत करने दी, मेहनत मैं इसीलिए कर रही हूँ कि मैं अपना घर बना लूँ, मेरे सर छुपाने का ठिकाना हो, मेरे हालात कुछ अच्छी हो, मेरे बच्चे कुछ सुखी हो जाए, ना कि मैं किसी के लिए जो है ना तकलीफ बन रही हूँ, ना मेरे लिए तकलीफ का बायस बने। वरना अल्लाह पाक देख रहा है, मेरे एक एक आंसू का बदला आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। प्लीज मेरे हालात समझें, मुझे हर बंदा क्यों तकलीफ देता है? मैं तो किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ, मैंने तो उन लोगों को भी बर्दाश्त किया, मैंने तो उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने मेरे साथ इतने जुल्म किए, ज्यादतियां की। जब मैं हर किसी को माफ कर देती हूँ तो मुझे तकलीफ क्यों देते हो आप लोग? हर बंदा मुझे यही कहते हैं, मैं भी आपको गुरूर है, आप हमारी सपोर्ट नहीं करते हो। मैं किसकी सपोर्ट करूं? मैंने कभी किसी से सपोर्ट मांगी है? मैंने किसी की भीख नहीं किसी के आगे मांगी, ना मेरे आगे कोई भीख मांगे। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकती, बस मैं अपनी जिंदगी बसर कर रही हूँ, मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दे। और उसके अलावा काफी लोग मुझे नंबर दे जाते हैं, मैं भी आप हमसे रब्ता करो। मैं कैसे रब्ता करूँ जो मेरे पास रब्ता करने का टाइम ही नहीं है? जब मुझे पता है कि जो मुझसे रब्ता करेगा वो मुझसे दोस्ती चाहेगा, वो मुझसे मोहब्बत चाहेगा, वो मुझसे शादी करना चाहेगा, शादी के नाम पे मैं 2 बार बर्बाद हो चुकी हूँ, तो प्लीज मैं और बर्बाद नहीं होना चाहती। मुझे नफरत है शादी के नाम से, इसी वजह से नफरत है कि धोखा करती है मर्द शादी के नाम पे इंसान औरत की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो मैं मजीद बर्बाद होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो प्लीज आप सबसे गुजारिश है मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, मेरी वीडियोस को आगे शेयर किया करें। अगर नहीं तो फिर इसी तरह अगर मेरा दिल टूट जाएगा तो मैं ये मेहनत छोड़ दूंगी, फिर मैं कोई गलत रास्ता अपना लूंगी। जब मैं गलत रास्ता अपना लूंगी ना तो फिर तो वैसे ही मैं गलत हो जाऊंगी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, गलत रास्ते पे जाऊं, मैं मेहनत करके कमाना चाहती हूं। प्लीज आप लोग मुझे गलत कमेंट ना किया करें, प्लीज आप लोग मेरी सपोर्ट अगर नहीं कर सकते तो मेरी वीडियोस डाउनलोड करके फेसबुक पेज पे ना छोड़ा करें, डूब मरें आप लोग। आप लोग भी किसी औरत से पैदा हुए हुए हो, खुदा के लिए मेरे बच्चों के साथ मुझे जीने दें आप लोग। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में,
मेरे अपने भी मेरे अपने नहीं है, अगर मेरे अपने ऐसे होते ना, मेरी हेल्प करते, मेरी सपोर्ट करते, तो आज मैं यू चैनल्स पे धक्के का अगर अपने बच्चे ना पाल रही होती। तो प्लीज खुदा के लिए मेरी वीडियो पूरी देखें, वीडियो आगे शेयर करें। अगर किसी की भी मेरी इस वीडियो से दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत करती हूँ। आज मुझे बहुत ज्यादा दुख है, पता नहीं मैं कभी रातों को उठ उठ के रोती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी मदद कर, अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मैं मुझे माफ कर दे। मैंने अपने जब से होश संभाला मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज आप सबसे गुजारिश है मेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मेरे दिल को सुकून दे, अल्लाह पाक मेरा और मेरे बच्चों का हामी हो, नासिर हो, और मेरी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल आरजे मेमिज पे देखें। प्लीज मेरे चैनल की सपोर्ट बने ताकि आपकी हेल्प और सपोर्ट से मेरी जिंदगी कुछ सुखी हो सके। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, यकीन करें, मैं देहातू में रुलती हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को सुबह छोड़ के चली जाती हूँ, शाम को जब आती हूँ तो वो मेरे बच्चे गलियों में रुल रहे होते हैं। मैं पता है धूप छाव में कहीं मुझे लेट हो जाए, सवेर हो जाए, तो मैं भाग के जल्दी से घर आती हूँ, एक वीडियो बनाने जाती हूँ तो 2000-1500 का मेरा खर्चा हो जाता है, तो महाना जो इनकम आती है उससे मेरा घर भी नहीं चलता है। कम से कम प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि मेरी सपोर्ट करें। आप भी किसी की, आपके घर में बहनें हैं, आपके घर में बेटी है, आपके घर में माँ है, तो मेरे बच्चों का ख्याल करें, मेरा ख्याल करें, मेरी इज्जत का ख्याल करें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, यूट्यूब पे हर औरत आई हुई है, बूढ़ी आई हुई है, नौजवान आई हुई है, आंटियां आई हुई है, गलत काम कर रही है, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। अगर दुनिया पूरी YouTube से फायदा उठा रही है, मैं अगर YouTube चैनल मैंने बना लिया तो मैंने क्या जुर्म कर लिया है। यही है कि मैं डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब की औरत हूँ। अगर आप लोगों में इतनी गैरत है जनूबी पंजाब के मर्दों में, अगर आप लोग इतनी बलोच हो तो कोई मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम तकलीफ तो ना दो ना आप लोग। प्लीज आप सबसे एक बार से मैं फिर से गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल आरजे मेविश पे आए, आरजे मेविश चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पूरे चैनल का विजिट करें, और अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से कहें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो, मेरी अच्छी इनकम हो, और कम से कम मैं अपना जो प्लाट ले रही हूँ ना उसमें मैं एक कमरा जो है ना बना के अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूँ। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं जो आज मेरे अंदर तकलीफ थी ना, मेरी अम्मी नहीं थी, मेरा अब्बू नहीं था, मेरा कोई भी नहीं था, तो मैं मेरे तो आप लोग हो। मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर कर दूँ, आप सबको बता दूँ कि कितनी तकलीफ से मैं गुजरती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। ये फेसबुक पेज वाले जो है ना मेरी वीडियो सारी चुरा लेते हैं, मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर देते हैं ये लोग। अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी नहीं है, मैं बददुआ ही कर सकती हूँ इन लोगों को, और तो कुछ नहीं कर सकती। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ कि मैं अपने चैनल को अच्छे तरीके से उसका कोई कर सकूँ। मुझे अपने चैनल को बामुश्किल मेरे कज़न ने बना कर दिया था, और उसी से बस मुझे इतना आता है वीडियो एडिटिंग करके बस डाल देती हूँ। मुझे तो ज़्यादा ऐड भी नहीं लगाने आते अपने चैनल पे, और वही कज़न को मैंने कई बार कहा है कि अगर आपने मुझे चैनल बना दिया ना तो आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दो, वो दुबई में रहता है अब, तो वो भी मुझे नखरे दिखाते हैं। अगर कोई काम उसको कहूँ ना कि मजाक ये काम करना है, तो वो आगे से मुझे 4-8 और बातें सुनवा देता है। चले कोई नहीं, अल्लाह उसको भी खुश रखे, अल्लाह उसे भी बहुत दे, अल्लाह आपको भी बहुत दे, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, अल्लाह पाक आपकी इस्तों पे पर्दा डाले। अल्लाह हाफिज़।